हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे आने वाले मंथ में, यानी कि जुलाई के मंथ में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्या बियरिश रहेगा, क्या बुलिश रहेगा, क्या लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। दूसरी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले इंट्राडे के लिए, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। और तीसरी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जो कि इंट्राडे के लिए, कल के लिए स्टॉक्स में आपके लिए जो जो यहाँ पर एनालिसिस करके स्टॉक्स फाइंड किए वो आपके साथ में शेयर करने वाला, और उसका इंपॉर्टेंट सभी लॉजिक्स उस स्टॉक के सिलेक्शन के पीछे के सारे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आप मेरे एनालिसिस से कुछ ना कुछ तो सीखते हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम कर रहा हूँ 500 लाइक्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आप ये एम कंप्लीट कर देंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने डिमांड एंड सप्लाई के जोन्स यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है ये प्रीवियस मंथ का है। ठीक है, ये जून के मंथ का है, और अभी यहाँ पर जून का मंथ पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से हम यहाँ पर जुलाई के लिए भी डिमांड एंड सप्लाई के जोन फाइंड कर सकते हैं। अब ये किस तरह से फाइंड करने, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड एक वीडियो बना के रखा है कि मंथली बेसिस पर डिमांड एंड सप्लाई में किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है ना, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जून के मंथ का भी यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा है, और जुलाई के मंथ के लिए भी यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करके रखा है। तो सिंपल सा क्या है कि इस वाले डिमांड एंड सप्लाई को हम क्या कहते हैं, वैल्यू एरिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर वैल्यू एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा बन रहा था जून के मंथ में। और जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी वैल्यू एरिया इतना बड़ा बनता है, यानी कि वाइड बनता है, तब हमें उस वाले मंथ में सिर्फ कंसोलिडेशन ही दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून के मंथ में बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ ऊपर या फिर नीचे के डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं मिली, एक कंसोलिडेशन मार्केट था। ठीक है ना, पर अगर आप यहाँ पर जुलाई का वैल्यू एरिया देखोगे, वैल्यू एरिया मतलब क्या, सपोर्ट एंड सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस में या फिर सप्लाई एंड डिमांड में जो डिस्टेंस है, जो कि मैंने एरो से मार्क किया है ये। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू एरिया है ये नैरो वैल्यू एरिया है। आप यहाँ पर देखोगे कि ये कितना बड़ा वैल्यू एरिया है, ये एरो देखिए कितना बड़ा है, पर ये जो एरो है ये छोटा है, मतलब यहाँ पर नैरो वैल्यू एरिया बन रहा है। और मैंने जिस तरह से कि वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी नैरो वैल्यू एरिया यहाँ पर बनता है तब यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट होता है। ठीक है ना, अब ये ट्रेंडिंग मार्केट नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर ऊपर के भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर हमें कुछ इस तरीके का मार्केट यहाँ पर जुलाई में दिख सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर किस तरह से डिसाइड करें, और एक आपके साथ यहाँ पर फैक्टर शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब जब हम वैल्यू एरिया ड्रॉ करते हैं इंट्राडे बेसिस पे या फिर हम यहाँ पर मंथली बेसिस पे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू एरिया रिलेशनशिप आता है, मतलब प्रीवियस मंथ का वैल्यू एरिया और आज के मंथ का वैल्यू एरिया करके रिलेशनशिप्स आते हैं। सॉरी, मैंने थोड़े से वो वीडियोज जो है वो डिले कर दिए हैं, या फिर मैं जब भी ये वीडियोज बताऊंगा वो सारे रिलेशनशिप्स आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला रिलेशनशिप बन रहा है, तो यहाँ पर इनसाइड वैल्यू एरिया रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते कि ये जो वैल्यू एरिया है इस वाले वैल्यू एरिया से बड़ा है, और ये जो वैल्यू एरिया ये पिछले वाला जो वैल्यू एरिया था ना, इसके बीच में आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिछले मंथ का वैल्यू एरिया है, ये अभी के मंथ का वैल्यू एरिया है, ये इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये इनसाइड वैल्यू एरिया है। और इनसाइड वैल्यू एरिया रिलेशनशिप जब भी बनती है तो यहाँ पर से मार्केट जो होता है वो ट्रेंडिंग होता है। थोड़ा सा ये एडवांस कंसेप्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा, जब भी मैं अपनी मनी जोन की वीडियो सीरीज लाऊंगा आपको सभी रिलेशनशिप बताने वाला हूँ। और ये रिलेशनशिप हमें क्या बताता है कि यहाँ पर से मार्केट एक ट्रेंड दे सकता है। मैं इतना सारा बात करके आपको एक यही बात बताना चाहता हूँ कि अगला आने वाले मंथ में यहाँ पर हमें ट्रेंड डे या फिर ट्रेंड मंथ हम कह सकते हैं, ट्रेंड डे तो नहीं कह सकते, ट्रेंडिंग मंथ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि बहुत ही अच्छी मूव मिल सकती है। अभी यहाँ पर बुलिश मूव कब मिलेगी, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये सप्लाई जोन है, प्राइस ये सप्लाई जोन जब तोड़ेगा ऊपर के डायरेक्शन में अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब यहाँ पर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा अप ट्रेंड आएगा। ठीक है ना, अभी दूसरी बात हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये नीचे के डायरेक्शन में तोड़ेगा, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू एरिया के नीचे है अभी प्राइस, ठीक है ना, जो कि हमारा डिमांड जोन है,
इसके नीचे प्राइस है, ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर ये प्राइस इसके नीचे ही रही तो यहाँ पर से हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। अभी ये डिपेंड करता है कि अगले आने वाले एक दो दिनों में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। अगर बियरिश डे रहा तो हमें यहाँ पर नीचे के जो 34,000 33,000 के जो लेवल से वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये डिपेंड करता है कि अभी दो तीन दिन के लिए मार्केट किस तरह से रहता है, बुलिश रहता है या फिर बियरिश रहता है, ठीक है ना। सभी उसी पर ही डिपेंड रहेगा। अभी यहाँ पर से हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स है मेरे पास जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था उसी तरह से आप यहाँ पर आज देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इम्पल्स मूव आया, यहाँ पर से मार्केट ने एक अच्छा सा डाउनफॉल भी दिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट कल यहाँ पर ही गैप में ही रेंज में ही ओपन होता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है और जिसका की लेवल है 34,989। अगर ये भी तोड़ के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि 35,106। एंड डायरेक्टली अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो ऊपर का रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए 35,385। तो ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मेरे लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक वाइड वैल्यू एरिया आ रहा है, इसका मतलब कल का दिन भी एक साइडवेज डे रह सकता है, ठीक है ना। इसी वजह से ज्यादा ऑप्शन बाइंग ना करें या फिर हम यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान देना चाहिए। अभी इतनी सिंपल सी बात। और अगर यहाँ पर रेंज में खुलकर नीचे गिरना चालू कर देता है तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा है, पिछले वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था और एक अच्छी मूव भी दिखाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको लेवल बताना चाहूँ तो ये 34,702 का यहाँ पर लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए बैंक निफ्टी में। अभी ये सब हो गया बैंक निफ्टी का। अभी यहाँ पर से हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। यहाँ से भी आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में लेके चलना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने वैल्यू एरिया ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पर भी वैल्यू एरिया आप देख सकते हैं कि वाइड आ रहा था, इसी वजह से पूरे मंथ यहाँ पर कंसोलिडेशन ही था, एक यहाँ पर ट्रेंड में मार्केट नहीं था। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर नैरो वैल्यू एरिया आ रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरीके का मार्केट हमें यहाँ पर दिख सकता है, या तो डाउन साइड में या फिर अप साइड में। अभी यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे निफ्टी में तो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न जैसा बन रहा है, और अगर ये जो नेकलाइन है ना, ये नेकलाइन अगर ब्रेक होगी तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स बता देता हूँ कि नीचे के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स मेरा ये है जो कि पिछले बार का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिमांड जो था, प्राइस इसके ऊपर है, मतलब ये एज ए डिमांड काम करेगा, ठीक है ना। तो पिछले बार का जो डिमांड जो था जो कि 15,556 पर, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो वर्जिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, तो वर्जिन पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा जो कि है 15,300 पे। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मेरे लिए नीचे के। और अगर ये डबल टॉप पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो 15,300 का भी लेवल हमें यहाँ पर दिख सकता है। पर अगर ये यहाँ पर से ब्रेकआउट दे दे, ये अभी बहुत दूर है, मतलब अगर ब्रेकआउट देना है तो इसको वैसे भी दो तीन दिन लगेंगे, और यहाँ पर अच्छा सा नैरो वैल्यू एरिया बन रहा है, इस वजह से ये पॉसिबल है क्योंकि नैरो वैल्यू एरिया हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट रहने वाला है पूरे मंथ में, ठीक है ना। अभी दूसरी बात, अगर यहाँ पर से प्राइस रिवर्स मार देती है और अपने वैल्यू एरिया हाई को, यानी कि सप्लाई जोन को तोड़ देती है, तो यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके की मूव हमें देखने को मिलेगी। इस वजह से अच्छे बाइंग के मौके हमें यहाँ पर मिलने वाले। तो ये हो गया हमारा मंथली व्यू। मैंने आपको सारा यहाँ पर मंथली व्यू आपको साथ शेयर कर दिया है, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी मुझे बता रही है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था उसी तरह से यहाँ पर निफ्टी में हमने एक अच्छा सा मूवमेंट देखा, और अभी जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाइड वैल्यू एरिया आ रहा है, बड़ा ही बड़ा वाला यहाँ पर वैल्यू एरिया आ रहा है। इसका मतलब कल यहाँ पर भी एक हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन वाला मार्केट हो सकता है। इसी वजह से ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग में हमें ध्यान देना चाहिए। और इंपॉर्टेंट लेवल्स बताना चाहूँ तो अगर ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जो है वो है 15,790 का, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो 15,815 का, अगर वो भी यहाँ पर से ब्रेक हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट डायरेक्टली है आज के दिन का हाई जो कि 15,817 का। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर मेरे लिए रेजिस्टेंस है, और अगर ये यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देगा तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छे नीचे के साइड में लेवल दिख सकते हैं आपको। डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ फिबोनाची सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अब ये हो गया निफ्टी का। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंथली व्यूज आपके साथ में शेयर कर दिया है। अभी
स्टॉक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक्स फॉर द मंथ जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर कोई अच्छे स्टॉक्स मुझे मिल जाए मंथ के लिए जो कि जिसमें कि हम अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और अभी यहाँ पर इंट्राडे के स्टॉक्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर हम इंट्राडे के स्टॉक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने यहाँ पर फेडरल बैंक को चूज किया है। एनालिसिस एकदम सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है, और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक सिमेट्रिकल पैटर्न जैसा पैटर्न बन रहा है, और अगर ये यहाँ पर से ब्रेकआउट दे देगा तो पिछले बार का सप्लाई जोन यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो तीन बार टच कर चुका है। और अभी हमें आज के मंथ के जो सप्लाई एंड डिमांड जोन से वो सिर्फ कंसिडर करने हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देगा तो एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ पर मिल सकती है। पर मैंने ये क्यों बताया कि पिछले बार का एक हम कह सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर से आ सकता है, उसी वजह से मैंने यहाँ पर बताया कि पिछले बार का जो यहाँ पर सप्लाई जोन है वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पर से कि हमें रिट्रेसमेंट मिल सकता है। फिर भी यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पे अच्छा चांस मिलेगा तो यहाँ पर मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा। सिमिलरली अगर ये डाउन साइड में यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पर से भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी मिल सकती है। तो इतना सिंपल एनालिसिस है फेडरल बैंक में। अभी अगला जो चार्ट है वो है आरती इंडस्ट्रीज का। आरती इंडस्ट्रीज में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ चार्ट में, यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 0.618 का जो रेशो है, जो कि गोल्डन रेशो है फिबोनाची का, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमें क्या बताता है कि प्राइस अगर गिर रही होगी और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आकर अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना दे, प्राइस इसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट कर दे, तो यहाँ पर से बहुत ही अच्छी बुलिश मूव हमें मिल सकती है। यहाँ पर से ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मूव करना चालू कर देगा। तो यही सब सेटअप यहाँ पर बन रहा है। ये मैं सारी बातें यहाँ पर से रफ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कल ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक होता है तो यहाँ पर पुल बैक देखकर बहुत ही अच्छे बाइंग के मौके बन सकते हैं। और सिमिलरली ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ पर पुल बैक मिले, तो यहाँ पर से भी शॉर्ट करने के मौके बहुत ही अच्छे मिलेंगे आरती इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इतना सिंपल यहाँ पर एनालिसिस था आरती इंडस्ट्रीज का। अभी अगला जो चार्ट है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अभी यहाँ पर ये स्टॉक मैंने क्यों चूज किया, ये सिंपल है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट है, जहां पर की प्राइस सपोर्ट लेके आ रही है और यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रही है। इंट्राडे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर से हमें अगर यहाँ पर कल कोई अच्छी सी बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है तो यहाँ पर से भी बाइंग के मौके अच्छे से बन सकते हैं, और यहाँ पर हम ब्रेकआउट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, नीचे ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। इतना सिंपल रखा है मैंने एनालिसिस। होप है कि आपको ये तीन स्टॉक का एनालिसिस पता चल गया होगा और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी व्यूज पता चल गए होंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ट्रेडिंग कमेंट्स का शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।